आज की इस क्लास में मैं आपको बैच पढ़ाऊंगा, बैच प्रोसेसिंग इन जेडीबीसी। एग्जैक्टली बैच प्रोसेसिंग होती क्या है ये हमको समझना होगा। बैच किससे कहते हैं? बैच जैसे आप समझते होंगे, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशंस पर जो बैच पढ़ाते हैं जिसके अंदर वन और मोर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। इफ मल्टीपल क्वेरीज आर टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स देन इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज अ बैच टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। मल्टीपल क्वेरीज हो और उनको आप मल्टीपल टाइम पर एग्जीक्यूट कराएं। इफ मल्टीपल क्वेरीज आर टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स then it must be executed as a batch to improve the performance, to improve the performance। जैसे multiple queries कैसे हो सकती हैं? जैसे एक company के अंदर 100 employee work करते हैं, let us assume there are 100 employees, और 100 employee में से आप 100 employees को साल में एक साल के अंदर 12 बार सैलरी देंगे, यू विल गिव द सैलरी 12 टाइम्स। तो मल्टीपल तो क्वेरीज हो गई, इंसर्ट कमांड हुआ या अपडेट कमांड हुआ आपका, भाई 100 एम्प्लॉयज के लिए आपको अलग अलग क्वेरी लिखनी पड़ी और उसको साल में 12 बार एग्जीक्यूट किया क्योंकि हर महीने आप सैलरी देंगे। तो मैं आपको उसकी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, इफ मल्टीपल क्वेरीज are to be executed multiple times then it must be executed as a batch। तो आपको फिर उसे किस में एग्जीक्यूट करना चाहिए? बैच में। इससे फायदा क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इससे क्या इंप्रूव होगा? आपका परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव होगी? जैसे भाई अगर मुझे 10 बच्चे पढ़ाने हैं, अगर एक एक बच्चे को मैं अलग पढ़ाऊंगा तो मुझे 10 बैचेस लेने पड़ेंगे। अगर इन सारे बच्चों का मैं एक बैच बना लूं और एक बैच में फिर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। बैच रिड्यूसेस द नेटवर्क कॉल्स। बैच रिड्यूसेस द नेटवर्क कॉल्स बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। जब जावा के प्रोग्राम से कोई क्वेरी डेटाबेस में जाती होगी तो वो 4 लेयर में होकर गुजरती। यहां पर पूरा बैच एक ही बार में जा रहा है ना, तो जावा टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू जावा, बार बार इधर से उधर हमारी स्विचिंग बहुत कम हो रही होगी, राइट? इट रिड्यूसेस द नेटवर्क कॉल्स बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। It reduces the network calls between the Java application and the database। यानी कि जावा के और डेटाबेस के बीच में जो नेटवर्क कॉल्स हैं वो reduces हैं। और मैं तो ये कहूंगा batch is a more efficient way as compared to the processing of a single SQL statement। मेरी समझ में ये एक सहज तरीका है एक बैच को एग्जीक्यूट करने का। अगर 10 क्वेरी उनको एक बैच में रखेंगे उसका एग्जीक्यूशन मेरी समझ में सरल और सहज होता है। इस बैच का एडवांटेज क्या है? इससे कहीं ना कहीं मेरी समझ में परफॉर्मेंस फास्ट रहती होगी। बट आप कौन कौन सी क्वेरीज को बैच में रख सकते हैं, कौन कौन सी क्वेरीज को बैच में नहीं रख सकते, इसके कुछ रूल्स होते होंगे। तो फॉलोइंग कंडीशंस आर नीडेड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज इन बैचेस। सबसे पहला शर्त तो यह है कि सेम टाइप की क्वेरीज होनी चाहिए। सेम टाइप ऑफ द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड इन द बैच, इट मींस 10 क्वेरी सेम टाइप। इट कैन बी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये DML की कैटेगरी में आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
it can be insert, update and delete. मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि बैच के अंदर कभी भी सेलेक्ट क्वेरीज नहीं होती, क्योंकि उनका जो अलग अलग जो आउटपुट आएगा, जो उनका अलग अलग जो आउटपुट आएगा उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, उसको हम कहां स्टोर करेंगे. सो आप खुद अपने ऊपर लगाइए कि मैं अभी ये एडवांस जावा का बैच पढ़ा रहा हूं, इसमें ऐसा थोड़ी कि पाइथन के बच्चे भी बैठ जाएंगे. सेम टाइप की चीजों को मिलाकर एक बैच बनाया जा सकता है. सेम टाइप की चीजों को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, एक बैच बनाया जा सकता है. बैच इज यूज्ड ऑन दैट टाइम व्हेन अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर. बैच कौन सी जगह पर यूज होता है, जहां पर यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है. जहां पर यूजर का क्या नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता होगा. जैसे जितनी भी ये कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, इनका एक अकाउंट होता होगा किसी पर्टिकुलर बैंक में. इट माइट बी लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक. आप नॉर्मली देखना एम्प्लॉयज के भी अकाउंट फिर वो उसी बैंक में खुलवाते जो सैलरीड अकाउंट होते. तो होता क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ बैच बन जाता होगा, एक ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज होती होंगी, उनका एक प्रॉपर बैच बनाकर रख देते होंगे. और जैसे ही मंथ फिनिश होता होगा, सारे लोगों की सैलरी को क्रेडिट करने के लिए उस बैच को एग्जीक्यूट करा देते होंगे. कल के लिए 10 एम्प्लॉय नए और आए तो उनको उसी ग्रुप में हमने क्या करा लिया, ऐड करा लिया. उनको उसी ग्रुप के अंदर फिर हमने क्या करा लिया, ऐड करा लिया. ऐसे ही अगर 5 लोग अगर अपनी नौकरी छोड़ के चले गए तो उनको उस बैच में से हटा दिया जाता होगा. ये सारे काम एचआर के होते होंगे. तो बैच इज यूज्ड ऑन दैट टाइम व्हेन अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर. यानी बैंक में कोई भी एम्प्लॉय उस बैच को एग्जीक्यूट कर देता होगा और वो फिर चलता रहता है, उसका भी क्वेरीज हमारी क्या होती रहती होंगी, एग्जीक्यूट होती रहती होंगी. तो इस काम को करने के लिए स्टेटमेंट और जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कुछ रेडीमेड मेथड्स होंगे इसमें. जैसे पहला मेथड जो है विच इज द एड बैच. व्हाट इज द मेथड का नाम, एड बैच. और इसके बाया ये क्वेरी हमारी ऐड होती जा रही होंगी. ऐड बैच में यहां पे क्वेरी डाल सकते हैं या क्वेरी के ऊपर ऐड बैच लगा सकते हैं. ये ओवरलोडेड मेथड है, यहां पर एक पैरामीटर है और यहां पर पैरामीटर नहीं है. ये मेथड जो है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का दे रखा है. बैच में क्वेरीज ऐड होती चली गई, इसका रिटर्न टाइप देखिए वॉइड है. फाइनली कभी ना कभी तो इस बैच को एग्जीक्यूट करेंगे. सो मेनी इंसर्ट अपडेट कमांड. तो यहां पर जो इसका रिटर्न टाइप है ना, which is what array of integer. Send a batch of the SQL statement to a database for processing and returns the total number of the rows updated. और यहां पर एक method है clear batch. Remove the SQL statement from the batch. तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, add batch, एग्जीक्यूट बैच और क्लियर बैच, ये ओवरऑल 3 मेथड हमारे पास थे. सो क्लियर बैच से क्या होता है, जैसे कोई भी एसक्यूएल का एड बैच का उल्टा है बिल्कुल. किसी भी क्वेरी को ऐड करना एड बैच और किसी क्वेरी को हटाना तो क्लियर बैच. सो इसको समझने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी. इसको समझने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी. वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. एक टेबल बनाते हैं इंक्वायरी नाम की. इंक्वायरी इज द टेबल का नाम. हम इंक्वायरी की 3 चीजें ले रहे हैं, इंक्वायरी आईडी, इंक्वायरी का नाम और इंक्वायरी का कोर्स. और ये इसका डेटा टाइप है, वेरकर टू और वेरकर टू. और दीज आर द कॉलम के नाम. ये जो तीनों है ना, इंक्वायरी आईडी, इंक्वायरी का नाम और इंक्वायरी का कोर्स, दीज ऑल आर द कॉलम के
ना, ये हमारे कॉलम के नाम है और इन तीनों का डेटा टाइप मैंने यहां पे बता दिया भाई। इंक्वायरी का कोई नंबर होगा, उसका नाम होगा, वो कौन से कोर्स के लिए आया। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, बट सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाना सीखेंगे। ये ओरेकल में करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा क्रिएट करो एक टेबल, और टेबल का नाम क्या, इंक्वायरी। देखो इंक्वायरी आईडी वेयर कट टू, और इसका साइज कितना दे दिया 5। इंक्वायरी का नाम वेयर कट टू, इसका साइज कितना दे दिया 10। इंक्वायरी का कोर्स वेयर कट टू, और इसका भी साइज हमने कितना दे दिया 10। यहां से चीजों की शुरुआत की, यहां पे आके खत्म कर दिया। जस्ट कॉपी दिस, आप SQL क्लाइंट ऑन करें, यहां पर आपने एक कमांड यूज की कनेक्ट, यूजर आईडी सिस्टम और पासवर्ड इज व्हाट, ओरेकल, आपने एंटर प्रेस किया, जस्ट पेस्ट इट, और ये टेबल बन गई। ये माई SQL के लिए था। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टेबल में कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा यहां पे व्हाट आई हैव रिटन, मैंने यहां पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और इंक्वायरी। देखिए नो रो सेलेक्टेड, बिकॉज कोई डेटा है ही नहीं उसमें, बट टेबल तो बन गई है। DESC करके देख लीजिए आप, इंक्वायरी सी, इंक्वायरी आईडी, इंक्वायरी का नाम और इंक्वायरी का कोर्स। आप इसको साफ करा दीजिए, क्लियर स्क्रीन। अब हम यहीं पर फिर से लॉट कराए इसी जगह, मिनिमाइज दी ऑल थिंग्स। अब मुझे आपको ये प्रोग्राम पढ़ाना है बैच डेमो से रिलेटेड। पहली लाइन कमेंट है। अब हमने क्या किया, इंपोर्ट किया जावा का आयो पैकेज, SQL पैकेज। भाई इनपुट आउटपुट लेने के लिए जावा आयो, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जावा .sql। यहां पर एक क्लास बनाई, दिस इज द मेन मेथड, ये मेरा मेन है। ये 3 डॉट आई थिंक यू नो दैट वेराक्स है। सबसे पहले ड्राइवर लोड किया, ध्यान रखना आप ओरेकल में काम कर रहे हो, com.mysql नहीं चलेगा, कमेंट इट। इस कनेक्शन को हटाया हमने और ये वाली चीज ले ली, oracle.jdbc.driver.oracle driver। ये टाइप 4 ड्राइवर था, यहां कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। ये लाइन में बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप ये लाइन समझो, हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कनेक्शन इंटरफेस के ऊपर हमारे पास एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट इज द मेथड का नाम, प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है मेरा वो मेथड का नाम है, और इससे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ। अब मैंने यहां पर क्या बताया आपको, मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा कौन सी टेबल में। देखिए ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, इसीलिए मैं इसे प्रिपेयर स्टेटमेंट में ले रहा हूं, और यहां पर हम 3 वैल्यू लेंगे, वो भी रन टाइम पर लेंगे। तो इंक्वायरी का आईडी, इंक्वायरी का नाम और इंक्वायरी का कोर्स। अब इनपुट लेने के लिए मैंने ये लाइन लिखी। कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, system.in। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है विच कन्वर्ट दी बाइट ओरिएंटेड का डेटा इनटू द करेक्टर ओरिएंटेड। इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दी बाइट ओरिएंटेड का डेटा इनटू व्हाट, करेक्टर ओरिएंटेड। और ये जो कीबोर्ड का रेफरेंस है वो किस में पहुंच गया होगा, बी में। जिंदगी भर के लिए एक लूप चला दिया, इंक्वायरी आईडी, नाम, कोर्स ले लिए, और देखो तीनों क्वेश्चन मार्क पर, पहले पर आईडी, दूसरे पर नाम और तीसरे पर उसका कोर्स हमने पहुंचा दिया, राइट। और इन सारी चीजों को हमने इस स्टेटमेंट में आके क्या कर दिया, ऐड करा दिया। मतलब STMT के ऊपर हमने कौन सा मेथड लगाया बेटा, एड बैच। अब यहां पर क्या बोला मैंने, देखो वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स,
बाई और एन वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स, या तो बाई डालेंगे या फिर क्या डालेंगे एन डालेंगे। जैसे मान लो हमें एक रिकॉर्ड और डालना है बाई, तो आंसर की वैल्यू एन के बराबर तो है नहीं, क्यों बाई इज नॉट इक्वल टू एन, तो वो ब्रेक तो नहीं होगा, फिर से यही दौर चलेगा। फिर से ये क्या पूछेगा हमसे, इंक्वायरी आईडी, नाम और कोर्स, यही दौर में दो तीन बार चलाऊंगा, फिर एट द एंड में इसमें एन डाल दूंगा, क्या डालूंगा एन। जैसे तीन रिकॉर्ड डाल दिया आपने, जैसे ही आप एन डालोगे तो आंसर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन के, ब्रेक हुआ और ब्रेक से हम इस लूप से बाहर निकल कर आ गए। जब हम इस लूप से बाहर निकल कर आए तो हमारे पास एक मेथड था, और व्हाट इज द मेथड का नाम, एग्जीक्यूट बैच। व्हाट इज द मेथड का नाम, एग्जीक्यूट बैच। बिलीव मी, ये एग्जीक्यूट बैच नाम का जो मेथड है, इससे वो जितनी भी तीन क्वेरीज थी वो सारी एग्जीक्यूट हो गई होंगी, और कनेक्शन को हमने यहां पर क्या करा दिया, क्लोज करा दिया। बिलीव मी, वो तीनों क्वेरीज पहले यहां पर बैच में एड होती जा रही होंगी। देखिए आप stmt.add batch, जब तक आप n प्रेस नहीं करेंगे, जब तक वो लूप से बाहर नहीं निकलेगा, और लूप से जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये बैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में अगर ध्यान रखने वाली अगर कोई बात है, तो एक तो ये है कि अगर कल के लिए कोई हमसे ये क्वेश्चन कर दे कि हाउ वी एड द बैच, हम बेसिकली बैच को कैसे एड करते होंगे, तो stmt.add batch और उस बैच को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, stmt.execute batch, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूं इसे। आप इस प्रोग्राम को ई ड्राइव में जाके सेव करा दीजिए, batchdemo.java, और आप यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो cmd। हम ई ड्राइव में ecolon cd demos java c, क्या लिखा हमने बताओ, सॉरी ये प्रोग्राम हमने कहां सेव कराया है, एडवांस जावा के फोल्डर में, तो पहले इससे बाहर निकलो, cd.cd एडवांस जावा में आए। यहां पर मुझे पाथ सेट करना पड़ता है क्योंकि मेरे में दो वर्जन पड़े हुए हैं, जावा सी, batchdemo.java और जावा बैच डेमो। जैसे इंक्वायरी आईडी e001, नाम डाल दिया देव, क्या सीखना चाहता है, पीएचपी। वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, यस। दूसरा क्या डाला, e002, नाम क्या डाल दिया आपने, दिव्यांशु। कोर्स क्या डाल दिया आपने इसमें, एंड्रॉइड। वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, मैंने कहा यस, या चलो एन कर देते हैं। अब एन, रिकॉर्ड्स आर सक्सेसफुली व्हाट इंसर्टेड। अभी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर रिकॉर्ड गए हैं या नहीं गए। आपने ये कमांड चलाई सी, दोनों रिकॉर्ड आ गए कि नहीं आगे बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाई, उसके बाद वही सारा कॉमन काम है इसके अंदर। अब मैंने यहां पर सिंपल इस स्टेटमेंट के ऊपर एक मेथड कॉल कराया, और उस मेथड का नाम क्या था मेरे भाई, एड बैच। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम, उस मेथड का नाम क्या है, एड बैच। वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स बाई और एन, या तो यस बोलेगा या आंसर नो बोलेगा। अगर उस आंसर की वैल्यू एन के बराबर है तो अगेन ब्रेक, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई है। सो इस वीडियो में आपने बैच के बारे में सीखा है।